हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है इक्वालिटी। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इसमें आपको पता चलेगा कि रोल ऑफ इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी क्या होता है। अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, कोई कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एनआरसी, और ऑफ देम आर एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इन सब का रोल बताया गया है कि कैसे इनको इन इक्वालिटीज फेस हुई है। अगर बात करें इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इन द 6th क्लास की बुक में हमने देखा था कि एलिमेंट क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड अगर उनको कोई भी इश्यू है देन वो क्रिटिसाइज भी करेंगे गवर्नमेंट को। रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में हम देखने वाले हैं। इक्वालिटी इज द की ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस चैप्टर आप पढ़ोगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड वेदर नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। वो अपने वोट के लिए जब वो वोट डालेंगे उसका वेट कर रही थी। इजेंट गुड सुजा दैट वी ऑल कैन वोट एज इक्वल सिटीजन ऑन आवर कंट्री, इवन जैन साहेब इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन विद अस। ये कह रहा है यस गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। अब आपका नंबर आ चुका है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग द पाइप वाटर इन आवर, जो पानी के लिए वो करेगा उसको हम वोट देने वाले हैं। यहाँ पे अब्दुल रहमान जो है कार्टिसन है, शबनम बानो हाउस वाइफ है, ग्रेसी लैगेज दैट इज कंसल्टेंट है, इसाली लैगेज गवर्नमेंट ऑफिसर है, सुशांत मिर्जा मीडिया पर्सन है, योगी राज अनएम्प्लॉयड है, अशोक जैन एक इंडस्ट्रियल है। उसके बाद क्या हुआ, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक अप, और हॉस्पिटल में लेके जाना है, एंड बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब हाउस, उनके घर में मेरे को काम करके आना था। घर पे जब वो गई, हियर यू हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई बैक इवनिंग तब हम हॉस्पिटल चलेंगे, ऐसा अपनी बेटी को इसको बोला। देन इट्स नो वंडर दैट गुडिया फॉलिंग ऑफन द बस्ती इज नाउ, ये भी एक रीजन था यहाँ पे क्लीनलीनेस जो ज्यादा सफाई नहीं है। मेक श्योर डू प्रॉपर वर्क, जब ये किसी के घर पे काम करने गई है तो इसको बोलना कि अपना काम अच्छे से करो, ठीक है। देन यहाँ पे बात की जा रही है इक्वल राइट टू वोट। इससे पहले देखते हैं, हियर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, कि मैं आपको एडवांस दे रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार आप एडवांस मांगो, ठीक है। इवनिंग के अंदर जस्ट फ्यू मिनट बिफोर, फ्यू मोर मिनट्स बेटी अपनी बेटी को गोद में लेके बोल रही कि अब अपना नंबर आने वाला है। जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैड टू डू व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, ठीक है। अब देखते हैं इक्वालिटी इन द राइट टू वोट। द स्टोरी अबव बिगिन विद द कांता, जो कि एक लाइन में खड़ी हुई थी जब अपना वोट की वो इंतजार कर रही थी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी से हो, उनके पास राइट टू वोट होता है। दे हैव ऑलरेडी, इन उसमें जब क्लास 6 में पढ़ा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया के पास है, क्या वो 18 एवरीवन कैन वोट, एन एसेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। एंड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसके ऊपर बेस है, इक्वालिटी, बिकॉज स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल कम्युनिटी जिससे बिलोंग करता है, सबका एक वोट रहेगा। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल, कि वो सबके बराबर है एंड उसके भी वोट की एक वैल्यू है। बट एज हर डे गोज कांता बिकम्स लेस सर्टेन हो गई कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज रियली मींस, लेट्स टेक इट टू डेली लाइफ इन हर, उसकी डेली लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। शी लिव्स इन द स्लम एंड ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, हर डॉटर इज सिक एंड कैन नॉट डे ऑफ द वर्क बिकॉज नीड टू बोरो मनी, मतलब वो अपनी बेटी को तो बीमार तो लेके हॉस्पिटल लेने के लिए उसको एडवांस लेना पड़ रहा है। हर जॉब्स एज डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, फाइनली सी एंड्स हर पर डे एंड अगेन स्टैंडिंग इन द लॉन्ग लाइन, जब वो हॉस्पिटल में थी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक दैट वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज पीपल स्टैंडिंग इज इट टू ज्यादातर बोल रहे। सो ये भी एक काइंड वो है, अगर कोई यहाँ पे अच्छा खासा पैसा तो प्राइवेट में भी जा सकता है, मतलब उसको ज्यादा लाइन में ना लगे। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी क्या हो सकती है, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल्स हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड ऑल्सो उनके पास भी राइट टू वोट है, बट वॉज डेली लिविंग जो एंड वर्किंग कंडीशन फार फ्रॉम इक्वल, अपार्ट फ्रॉम बींग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी, अलग अलग वेज में अपन इन इक्वालिटी फेस करनी पड़ सकती है। लेट अस सी व्हाट आर द मीन्स ऑफ टू स्टोरीज, जो नीचे मिलेंगी।
ईच ऑफ दीज बेस्ड इन द रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट करिए डिफरेंट काइंड की इनइक्वालिटीज को जो इंडिया में आज भी एग्जिस्ट कर रही है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, दैट इज कास्ट सिस्टम, जो कि आज भी डोमिनेट कर रहा है इंडिया में. द रूरल इंडिया इट इज मोर डोमिनेंट. इफ यू लिव इन द रूरल इंडिया योर कास्ट इज आइडेंटिटी, जो आपको प्रोबेबली सिखाएगी बहुत सारे एक्सपीरियंस वेरी यंग. इफ यू लिव इन द अर्बन इंडिया यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं, बट नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम. बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शो फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज पेपर, यू विल सी दैट हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ द कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस. नाउ लेट अस रीड अबाउट द स्टोरी एक्सपीरियंस जो कि दलित चाइल्ड ने ड्यूरिंग द स्कूल उसने फेस की थी. यू हैव लर्न दैट दलित इन द क्लास 6 जो कि हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. इसको हम क्या बोल देते थे, दलित. दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाई यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ देवर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेट उनके साथ होता था. अब देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 23 तक एक फेमस दलित राइटर हुए हैं. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन इसमें लिखा है, आई सेट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मतलब मेरी क्लास में मेरे को सबसे अलग बिठाया जाता था, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर मिट्टी पे, एंड द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन. सम टाइम आई वुड से हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी राइट नियर द डोर, डोर के पास. सम टाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी बात को उसको पीटते थे. व्हेन ही वाज इन क्लास 4th में जब था, हेडमास्टर आस्क ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड को साफ करने के लिए उसने बोला. ही राइट्स द ग्राउंड द प्ले ग्राउंड वॉज लार्ज दैट माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल इन क्लीनिंग इट. माई बैक बिगेन टू एक एंड माई फेस वॉज कवर्ड विद द डस्ट. डस्ट हैड गोन इन साइड माई माउथ इन द मूवी. जो बुक है जो आप पढ़ सकते हैं. द अदर चिल्ड्रंस इन माई क्लास आर स्टैंडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. बाकी सब लोग खड़े थे मतलब पढ़ रहे थे और मैं वहाँ पे सफाई करा था. एंड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मेरे को देख रहे थे. एंड आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी भी नहीं पीने दिया. I swept the whole day from the door and window of the school rooms. The eyes of the teacher and the boy saw these spectacles. Om Prakash was made to sweep the school and playground for the next couple of days. And this only came to an end when his father, who happened to be passing by, उसका पिताजी वहां से जा रहा था तब ये सब हुआ. So he sent sweeping. He confronted the teacher and then walking away the school holding Om Prakash's hand and said loudly for all of them to hear, You are a teacher, so I'm leaving now. But remember this, my master will study right here in this school and not just him, but there will be more coming after him. And what do you think Om Prakash Valmiki was treated unequally? Yes, take it. Second story kiske upar base hai? Ek incident that took place in the India, largest city, just common practice most part of the country. Yahan pe hai ek story aapki, Miss मिस्टर एंड मिसिस अंसारी के बारे में, हु आर लुकिंग टू ए रेंट अपार्टमेंट इन द सिटी. कोई रेंट के ऊपर वो देख रहे थे. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, मतलब उनके पास पैसा था लेकिन उनको रेंट पे मकान चाहिए था. दे वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर के पास हो गए. द डीलर इन्फॉर्म दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट जो कि अवेलेबल है. दे विजिट द फर्स्ट अपार्टमेंट जहाँ पे अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक, उसने यहाँ पे रहने का सोचा. हाउएवर When the landlady found their names, she was make excuse about how she could not rent the house to someone who meat, जो कि meat वगैरह खाता है, because the building did not have any non-vegetarian resident. Both the Ansari and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish cooked in the neighbor house. पास के घर से फिश की स्मेल आ रही है. The same excuse was repeated in the second and third apartment. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. Ansaris were reluctant and to do that decided to look more. And in the end, took a whole month of the looking at the apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. The उनके नाम से अंसारी की वजह से उनको नहीं मिला कोई भी. तो बाकी जो साइड में क्वेश्चन है किस टाइप की इनइक्वालिटी आप देख सकते हैं. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी की बात करें, यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ दैट द कास्ट वी वर बोर्न इन टू रिलीजन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्लास बैकग्राउंड से जहाँ से हम बिलोंग जहाँ से आते हैं, वेदर वी वर मेल और फीमेल हो, ओपन थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड इनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी इन सब को अनइक्वली ट्रीट किया गया बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन. वेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली उनकी जो डिग्निटी है उनको
वो लेट हो रही है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आज वायलेटेड बिकॉज ऑफ जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया था, बाय पिकिंग अप ऑन हिम मेकिंग हिज स्वीप स्कूल, उनसे साफ करवाया गया। ओम प्रकाश के जो स्कूलमेट थे टीचर ने उनको डिग्नी को हर्ट किया है बैडली एंड लेस इक्वल देन अदर्स। ठीक है, बीइंग ए चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू ए वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन एंड इट वाज हिज फादर जिसने उसके साथ बेटे को देखा जब उसको गुस्सा आया अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से। अंसारीज डिग्निटी ऑल्सो हर्ट जब लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि आपको रेंट पे नहीं देंगे। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट द चेंज देयर नेम्स दैट मेड रिफ्यूज दिस सजेशन, लेकिन उसने इसको मना कर दिया। आप देख सकते हैं बच्चों से वो करवा रहे हैं। ठीक है, 1975 दीवार फिल्म की है। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज करता है कि एवरी पर्सन इक्वल है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट ऑल रिलीजियन ऑल ट्राइब्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड रिकॉग्नाइज आर इक्वल, कि उनको समान अधिकार। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस सीजेस टू एक्ट, ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी बिल्कुल खत्म हो गई, इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी टू ऑल पर्सन अभी रिकॉग्नाइज है कि सभी पर्सन इक्वल है। वाइल अर्लियर ये हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, द पार्लियामेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी आर रिप्रेजेंटेटिव इन द, यहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं एमपी और ओके ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में आगे देखने वाले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड क्या बात करता है, जीरो हंगर के ऊपर, इतना आपको याद रखना। कैसे याद रखेंगे, टू जो है ये जेड की तरह लिखा जा रहा है तो जीरो होगा, 15 हमारे एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको हमने अडोप्ट किया था 2015 में एंड हमने एक टारगेट सेट किया कि 2030 तक हम इनको अडोप्ट कर लेंगे। नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल व्हाट दैट वर्क विद द सी पीपल ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड इक्वल, बहुत सारे हमारे लॉज भी हैं एक्ट भी हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो ये हमारा प्रोविजन है अकॉर्डिंग आर्टिकल 14। वट इज मीन दैट जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, कांता हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, उन सबको एक जैसा लॉ ओबे करना पड़ेगा। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजियन रेस प्लेस ऑफ बर्थ वेदर दे आर मेल और फीमेल अकॉर्डिंग टू आवर आर्टिकल 15। एंड थर्ड क्या है, एक्सेस टू ऑल पब्लिक इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड होटल शॉप्स एंड मार्केट, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एंड ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वॉल्स आप वेल्स यूज कर सकते हो, जितने भी कोई वगैरह है जो रोड है वॉकिंग घाट है। फोर्थली, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। उसके बाद द वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वेलिटी, जिसमें क्या है गारंटी की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंड सेकेंड आपका गवर्नमेंट के जो लॉज वगैरह है उसके द्वारा टू हेल्प द पीपल्स। इस एडवांटेज कम्युनिटीज के लिए स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं। देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके राइट को टू बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें इन एडिशन टू लॉज गवर्नमेंट ऑल्सो हैड सेवरल स्टेप टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज दैट इंडिविजुअल हैज बीन ट्रीटेड अनइक्वली, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे हैं। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इज दैट इज मिड डे मील, तो आपके छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में वो खाना मिलता है दोपहर के अंदर। दिस रेफर टू द प्रोग्राम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ कुक्ड लंच, तमिलनाडु ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था फर्स्ट स्टेट एंड इन 2001 में। सुप्रीम कोर्ट आस्क ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 मंथ, कि आप सभी लोग इसको स्टार्ट कीजिए, सभी गवर्नमेंट को बोल दिया गया था। दिस प्रोग्राम हैज मेनी पॉजिटिव इफेक्ट है, इट इंक्लूड द फैक्ट दैट पुअर चिल्ड्रन जो थे अब इनका एनरोलमेंट ज्यादा बढ़ गया स्कूल्स के अंदर। टीचर्स ने रिपोर्ट किया दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड गो ऑफन होम फॉर द लंच एंड वापिस ही नहीं आते थे, बट मिड डे मील की वजह से वो आप स्कूल में ही रहते हैं। उनकी अटेंडेंस भी अभी इम्प्रूव हुई है, देयर मदर्स जो थी पहले इंटरप्ट हुई थी उनके, मतलब अगर खाना बनाना पड़ेगा वो भी थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही है। दिस प्रोग्राम हैड रिड्यूस द प्रेजुडिस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल, इनको एक जैसा ही खाना मिल रहा है। दलित वोमेन्स अभी खाना बनाएगी। द मिड डे मील प्रोग्राम जो है ऑल्सो रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट एंड ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसेंट्रेट बिकॉज ऑफ द स्टोमक आर एम्प्टी, बहुत सारी चीजें। वेल गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल है टू इंक्रीज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देयर मच स्टिल नीड्स टू बी डन।
While the midday meal program जो था had reduced help to increase the enrollment and attendance in the poor of the poor children in the school continue to big difference between our country school that rich attended those poor attend even today there were several school in the country जहाँ पे दलित childrens like ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके साथ discrimination होता है ऐसा एक article थोड़े दिन पहले आया भी था these children are forced into unequal situation with their dignities Not respected. And इसके कंटेक्ट में भीमराव अम्बेडकर जी ने लास्ट चैप्टर में आपको बताया भी था दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम इक्वल एज देयर लो रिक्वायर दिस इज डिसग्रेटफुल एट द लाइफ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द मेन रीजन क्या है इसका एटीट्यूड जो कि बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है इवन दोज पर्सन आर अवेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि अगेंस्ट है लोग के उसके बाद भी वो लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट करते हैं बेसिस ऑफ देयर कास्ट देयर रिलीजन देयर डिसेबिलिटी देयर इकोनॉमिक स्टेटस बिकॉज दे आर वुमेन बहुत सारे रीजन है इट इज ओनली वेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व द डिग्निटी दैट प्रेजेंट द एटीट्यूड चेंज एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी कंटिन्यू स्ट्रगल इंडिविजुअल हैव टू वेरियस कम्युनिटीज होती हैं कंट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अवर डेमोक्रेसी की बात करें या फिर अदर डेमोक्रेसी यू आर प्रोबेबली वंडरिंग दैट वेदर इंडिया इज ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वालिटी है एंड स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए द ट्रूथ इज दैट मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सेम इश्यू आपके साथ आप देख सकते हैं किस एंड कम्युनिटी आप स्ट्रगल करेगी फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था या फिर अफ्रीकन अफ्रीकन वो थे जो अमेरिकन वॉज एंसेस्टर वर द स्लेव्स एंड वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका से जिनको स्लेव्स लेके आए गए थे उनके जो बच्चे थे इनको अनइक्वल मानते थे डिस्पाइट दैट मूवमेंट इन द 1950 लेट 1950 में इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन की बात चली प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट और उनको डिनाई कर दिया जाता था बिफोर द लॉ एंड थ्रू वेरियस लॉज फॉर एग्जाम्पल ट्रेवलिंग बाय बस आइदर हैड टू सीट द बैक ऑफ द बस एंड गेट अप देयर सीट वेदर आप अगर कोई व्हाइट पर्सन आ गया तो उसको आपको सीट देनी पड़ेगी ऐसा एक इंसिडेंट था रोजा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन 1913 से 2005 के बीच में टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज्ड टू गिव द सीट 1 दिसंबर 1995 को 1955 को इसने मना कर दिया रिफ्यूजल दैट दे स्टार्टेड ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल मींस इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड टाइम टू बिनोना जिसको क्या होते हैं सिविल राइट मूवमेंट यहाँ पे ये बैठी है एंड ये वाइट है रोजा पार्क्स अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी ठीक है एंड द सिविल राइट ऑफ 1964 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन रेस नेशनल ओरिजिन एंड इट ऑल्सो स्टेट दैट स्कूल वुड ओपन टू अफ्रीकन चिल्ड्रन के लिए भी है एंड इसको इक्वालिटी मिली मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल फ्यूअर फैसिलिटीज पुअर क्वालिफाइड टीचर्स एंड कंपेयर टू द व्हाइट स्टूडेंट जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं फिर डिफरेंस तो आदमी अब देखते हैं कुछ एक आर्टिकल 15 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ CSR2+POB कास्ट सेक्स रेस रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन के हिसाब से रेस के हिसाब से सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड इनमें से किसी भी एंड नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी लाइबिलिटी इन सबके लिए भी एंड एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं आप होटल्स एंड प्लेसेज में पब्लिक एंटरटेनमेंट में एंड यूज कर सकते हैं टैंक्स बाथिंग गार्ड्स रोड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जितने भी हैं ओनली और पार्शली आउट स्टेट फंडेड है या फिर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ पब्लिक पब्लिक के लिए है अब चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी का नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज ए बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कहीं भी अवेयर नहीं बोल सकते देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज इंडिविजुअल जो ट्राई करेंगे एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश द ग्रेट रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग ऑन वेज न्यू इश्यूज के ऊपर सेंटर सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन इन एज इक्वल फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड एंड इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द इक्वालिटी अफेक्ट कर रही है बहुत सारी जिंदगियों को सो इसके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं अब देखते हैं ग्लोसरी इसमें इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटी
इट मीन्स दैट एडल्ट जो कि 18 साल से ऊपर के इंडिया के अंदर हैज द राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। डिग्निटी क्या होता है? थिंकिंग वन सेल्फ एंड अदर एज ए वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जितने भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, सिविल राइट मूवमेंट जो कि यूएसए में था 1950 में अगेंस्ट व्हाइट एंड ब्लैक के। सो दैट्स इट। अभी थोड़ा थोड़ा आपका पॉलिटिकल मेजर पोर्शन में स्टार्ट होगा। बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।